बेटा तुझे कल बिजली का बिल भरने को कहा था, तूने भरा? लाइट नहीं आ रही, कनेक्शन काट दिया हरामजादों ने हमारा। पसीना पसीना हो गया हूं मैं बेटे। खिड़की पे आ गया हट जाते बेटा, ए बेटा, प्यार का तेरी माँ को ग्लूकोज पिलाया, भी बेहोश होने वाली थी वो, पसीने में तर तर हो गई है। बेटे सुन रहा है? किसके ख्यालों में खोया हुआ भाई? तब से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, कानों में जूनी रेंगती तेरे। आप मेरे सपने में कैसे आए? तेरा बाप हूँ, ऐसी बाल थोड़ी सफेद हुए हैं। जब मेरे पिताजी मेरे को लेक्चर देते थे, तब मैं हेमा मालिनी वहीद रहमान की यादों में खोया रहता था। किसके ख्यालों में खोए रहते थे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इन 20 सालों में मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं हुए। पापा आपने कभी हवा को देखा है? नहीं लेकिन वो है। आपने कभी ऊपर वाले को देखा है? नहीं लेकिन वो है। बेटा तेरे को मेरे हाथों में चप्पल दिख रही है? नहीं लेकिन है। इस ग्लूकोज की बोतल में जहर मिला दो मेरे। वहीद रहमान की यादों में खोए रहते थे तुम, अब उसके पुजारी आए। हेलो दोस्तों, किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया, वरना मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को अभी का अभी शेयर कर दो, ताकि जो भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो में वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएं और सभी का फायदा हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या लो बैटरी पे फोन को यूज करने से खतरा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा होती है? या फिर अगर आप फोन को चार्ज में लगा के यूज करेंगे तो क्या आपका फोन भुड़ुम भुड़ुम ब्लास्ट हो जाएगा? या फिर क्या आप फोन को रात भर अगर चार्ज में लगाएंगे तो आपके फोन में सुबह होने तक आग लगी मिलेगी आपको? या फिर क्या आपको फोन सीधे कान या उल्टे कान से रिसीव करना चाहिए, क्योंकि आपके वरना दिमाग तो रेडिएशन घुस जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल शायद आपके दिमाग में चलते होंगे, क्योंकि आपने खुद भी कभी ना कभी फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऐसे ही मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड भी किया होगा। और अगर फॉरवर्ड नहीं किया होगा तो यह बात तो पक्की है कि आपने आज तक कभी ना कभी ऐसे मैसेजेस को देखा जरूर होगा। और हम जब ऐसे मैसेज को देखते हैं तो हम अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे जो भी फैमिली या फ्रेंड्स होती है, हम चाहते हैं कि हम सबको बात बता दें, ताकि कोई भी एकदम नो किसी को नुकसान ना पहुंचे, सभी अपने फोन को आराम से यूज करें। तो लो बैटरी फोन यूज नहीं करना, रात भर चार्ज लगाके फोन यूज नहीं करना, उल्टे कान से पिक मत करना, सीधे कान से पिक करना, मतलब ये ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं दोस्तों, जो हम आज तक सुनते आए हैं, समझते आए हैं और हम उनमें बिलीव भी करने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें सिरे से गलत हैं, बिल्कुल एकदम बकवास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फोन को रात भर चार्ज में लगाओ, दिन भर चार्ज में लगाओ, फोन को चार्ज करते करते यूज कर लो, फोन में आप उल्टे कान से रिसीव कर लो, सीधे कान से रिसीव कर लो, लो बैटरी में, फुल बैटरी में, कोई भी किसी भी तरह का नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा। दोस्तों आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस वगैरह तरह तरह की देखी होंगी कि किसी का फोन फट गया, किसी के कान में से खून निकल रहा है, किसी का हाथ इतना बड़ा फैल गया पूरा फोन फटने से। दोस्तों वो इंसिडेंट्स कुछ तो हुए हैं, उनको मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन वो तभी होते हैं जब आप अपने फोन को ठीक से यूज नहीं करते। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबका हिसाब क्या है। तो आपके फोन में जो बैटरी है ना वो बड़ी खतरनाक है, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते होंगे, और ये बात तो सैमसंग, एप्पल, एचटीसी, सोनी भी जानती है। लेकिन आपका फोन एक खतरनाक डिवाइस नहीं है, उसमें वो सभी तरह के मेजर्स दिए गए हैं जिससे आप उसको सेफली यूज कर सकें। और फोन आज के डेट में एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, ऊपर से तरह तरह के रेगुलेशंस हैं, तरह तरह की अथॉरिटीज हैं। अगर आप सभी टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप एक सेलफोन एक यूजर के हद तक पहुंचा सकते हैं।